आधे घंटे में आ जा। सब ठीक तो है? हाँ शगुनी, सब ठीक है। बंदू कैसे? बंदू भी ठीक। बाला, बाला बात क्या है? तुम मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि ईशिता के साथ तुम अपनी सारी बातें शेयर करते थे, परेशानियां, खुशियां, सब कुछ। मैं भी तुम्हारी दोस्त की तरह। शगुन, मुझे समझ नहीं आता कि मैं शगुन, फंदू को मुझसे डिवोर्स चाहिए। She has requested me कि मैं उसे डिवोर्स दे दूँ। उसे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी पत्नी नहीं है, एक अच्छी माँ नहीं है। उसने मुझसे कहा कि हमारे बच्चों की जान को फंदू से खतरा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालूं, इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने काउंसलर के पास जाना शुरू किया। मुझे लगा था कि रेगुलर जाने के कारण फंदू पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी ट्रीटमेंट को, लेकिन शगुन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट आज तो उसने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फंदू के बिना नहीं जी सकता। आई लव हर। मैं नहीं चाहता उसे छोड़ना। मैं क्या करूं? क्या करूं? काम डाउन, कुछ भी गलत नहीं हुआ। जस्ट टेक अप। क्या पता फंदू के दिमाग में क्या चल रहा है। आई विश ईशिता यहाँ होती। वो कभी सिचुएशन को इस पॉइंट पे पहुंचने ही नहीं देती। काश ईशिता यहाँ होती तो उसकी कमी बहुत खलती है हमें। आई मिस हर। तुम प्लीज भरोसा रख, तुम्हारा प्यार है ना फंदू के साथ। जस्ट सपोर्ट हर, इट्स जस्ट अ फेज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। केस लड़ेगा? हाँ, एक एवरेज क्लास लॉयर। पता नहीं इसने आज तक कोई अपनी जिंदगी में केस जीता भी है कि नहीं। अच्छा, यू नो व्हाट, अब समझी मैं। तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहते हो। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही नहीं है। और ये खुद मेरे पास भीख मांगने के लिए आया था, इशिता को बचाने के लिए, उसका केस लड़ने के लिए। इसे लेके आए हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इम्पॉसिबल। भाई मैंने कहा था ना इससे प्रॉब्लम होगी, आप कोई दूसरा लॉयर हायर कर लीजिए। मैं इसका एटीट्यूड नहीं ले सकता। एक तो मेरे छोटे भाई जैसा है, वो बेचारी बौखला गई है। उसको अंदर रहने की आदत नहीं ना, जिंदगी भर सिर्फ लोगों को डाला है अंदर, खुद नहीं गई है, पागल सी हो गई है। मैं बात करता हूँ उनसे। दीदी, क्या जेल का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है तुम्हें? अंदर रहने का शौक है तुम्हें? देखो समझो, वक्त आने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। मैं जानता हूँ किसी काम का नहीं, लेकिन फिलहाल यही हमारे काम आ सकता है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रिमेम्बर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो मैं कहती हूँ सिर्फ वही करिएगा। अपना दिमाग मत लड़ाइएगा, ओके? जितना बोलूं उतना करना। भाई इन्हें कह दीजिए कि होंगी बहुत बड़ी लॉयर, लेकिन अब ये मेरी क्लाइंट है, इन्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। I'm sorry, तू प्लीज हो सके वो कर, एंड जस्ट मेक श्योर कि मेरी निधियां से बाहर आ जाए। आप इन्हें कह दीजिए कि मैं केस जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना, जेब में रखना होगा। हाँ हाँ, फिलहाल तो ये वैसे भी पुलिस की जेब में, कुछ नहीं बोलेगी। ये इडियट एक नंबर का, इसको कहाँ से लेके आए हो? काम डाउन यार। यहाँ मैं जी जान लगा रहा हूँ तुम्हें बाहर निकालने की, और तुम सारी कोशिशें करी अंदर रहने की। अबे यार, एक इंसान तुम्हें बचा सकता है। कौन? तुम यार, को मैं आता हूँ। तुम तो बाहर आ भी नहीं सकती, चाबी भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं आया। अरे लेकिन बता दो जाओ रमन। कहाँ फंस गई मैं?
मेरी ललवानी के साथ बात हो गई है, मुझे लगता है कि अगला कॉन्ट्रैक्ट वो हमें ही देगा। चलो ये भी अच्छा है, ज्यादा जोर नहीं देना पड़ा हमको। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे मेहता जी, ग्लैड टू सी यू, कैसे हैं आप? अच्छा सर। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर अशोक खन्ना। इनको कौन नहीं जानता राजन साहब, मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, घर आइए डिनर पे। भाई आपका हुक्म और सर आंखों पर। अशोक तुम भी चलो ना साथ में। मिस्टर राजचंद आप चलिए, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आई हैव सम प्राइवेट कमिटमेंट। ठीक है मेहता जी, तो शाम को मिलते हैं। जी सर। भाई भाभी के हाथ के कोफ्ते भी तो खाने। आप खाओ कोफ्ते राजचंद सर, मुझे भी तो ये मौका मिलेगा आज शनाया के साथ अकेले। आखिर हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले रोमांस होना तो जरूरी। मैं भी देखूं इशिता की इस हमशक्ल को उठाने के लिए कितनी मेहनत लगती है उसके बाप के बिना। अरे शबु, तू अभी तक अपना होमवर्क कर रहा है? मैं तो बस खेलने आई थी। कितना टाइम लगेगा शबु? शबु बोलो। कब खत्म होगा होमवर्क? उम्मीद पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, अप्पा हमेशा अम्मा की वजह से सैड रहते हैं। अप्पा और शगुन आंटी कुछ बात कर रहे थे, पता है मैंने सुना, अप्पा और शगुन आंटी कह रहे थे अगर ईशु जीती रहे तो वो अम्मा को समा लेती, पर अब तो ईशु जीती है ही नहीं, मेरी अम्मा को कौन संभालेगा? मेरी अम्मा को कौन ठीक करेगा? वो तो रो मत, मेरे पास एक आइडिया, तो शनाया आंटी से बात करेगा। और शनाया आंटी क्या करेगी? शनाया आंटी इश्मा की तरह दिखती है ना, तो अगर वो वंदु पेरियामा से बात करेंगी तो वंदु पेरियामा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने पूजा में भी हेल्प की थी ना हमारी, तो वो हमारी भी हेल्प कर सकती है। पर हमें शनाया आंटी के पास कौन ले जाएगा? हमारे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। शबु हम खुद जाएंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे। क्या? और हम खुद कैसे जाएंगे? मैं तो उनका घर भी नहीं पता है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं इंटरनेट पर सब पता करूंगी। ओके ओके।